शनि देव का मंदिर कहीं कहीं बन रहा है, लेकिन अभी ब्रह्मा का मंदिर नहीं बन रहा। शनि देव हम पर कोप है, पंडित जी आके कह देंगे तुम पर शनि चढ़ा है तो बहुत पैसा खर्चा हो जाएगा, लेकिन शनि देव से क्षमा प्रार्थना करने के लिए फुर्सत नहीं है। देखिए ये बेचारी बहुत, यहाँ नेता तो बहुत है, उस समय जो है वोटवा के बेरी वोट मांगने को दादी प्रणाम दादा प्रणाम, लेकिन अभी जग हो रहा है कोनों को दिखाई नहीं दे रहा है बेचारी। ये तो इंदी देवी आकर ये तपती हुई धूप में आकर आप में भाग लिया, इसलिए इस पर भगवान का कृपा रहे कि सदा ये पद प्राप्त करते रहे। हम जग कर रहे हैं तो कोनो भाजपा या लंटन छाप का पता ही नहीं है, इसलिए यहाँ वही आएगा जो भगवान का भक्त होगा, अन्यथा नहीं आ सकता है। इन जिनके पास गेहूं होखल होके ला के एक बोरा दो बोरा 4 किलो 5 किलो 10 किलो जो जैसा है लेकर अन्न से ढकाएंगे यहाँ लेकर आइए। श्री श्री 1008 आज जो है शनिदेव भगवान का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के लिए जलभरी यात्रा निकाली गई, तो हम यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं बाबा हैं, हम बाबा है जानेंगे शनिदेव भगवान को लेकर। तो भक्तगण मेरा नाम श्री श्री 108 श्री भगवान स्वामी जी महाराज है, गुरुद्वारा अयोध्या कुशलेश्वर कैकई घाट में है। हमको आमंत्रित किया ग्राम 56 बीघा बारून प्रखंड के लोगों ने शनि देव का प्राण प्रतिष्ठा कराने हेतु, जो आज निर्विघ्न शनि भगवान की जल यात्रा के लिए निकला गया जुलूस में। वहाँ वरुण देवता का पूजा हुआ और वरुण देवता से निवेदन किया गया कि हे वरुण देवता हम लोगों का मनोकामना पूर्ण हो और शांति पूर्वक यज्ञ संपन्न हो। पहले शनि देव भगवान का मंदिर बहुत कम बनता था, ब्रह्मा जी का मंदिर कम बनता था, गायत्री जी का मंदिर कम बनता था, लेकिन आज शनि देव का मंदिर कहीं कहीं बन रहा है, लेकिन अभी ब्रह्मा का मंदिर नहीं बन रहा है। शनि देव एक ग्रह में है और इनका पूजा पाठ करने के लिए इसलिए लोग जाते हैं कि यदि कोई क्रोधित देवता है या कोई क्रोधित आदमी भी है तो उसको पूजा पाठ खिलान पिलान करेंगे तो वो ठंडा हो जाएंगे, ठंडा हो जाएंगे तो आपको आशीर्वाद देंगे और जो गुस्सा है उसको आपके ऊपर नहीं उतार कर माफ़ कर देते हैं। शनिदेव भगवान का पूजा सब लोग कर सकते हैं, लेकिन श्रद्धा हो तब। आज 200 घर के बस्ती में एक कुंवारी कन्या लोग या थोड़ा सा युवा कन्या लोग आई, नहीं तो यहाँ हजारों का भीड़ होना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि शनिदेव हम पर कोप है, पंडित जी आके कह देंगे तुम पर शनि चढ़ा है तो बहुत पैसा खर्चा हो जाएगा, लेकिन शनि देव से क्षमा प्रार्थना करने के लिए फुर्सत नहीं है, इसलिए ये देवता के जो विश्वास के साथ प्रेम के साथ पूजन पाठ करेगा उसे घर में शांति मिलेगा ही। और यहाँ लोग सभी जगह के लोग इकट्ठा हुए हैं यज्ञ के अनुष्ठान में, यज्ञ के अनुष्ठान में शनि देव के अनुष्ठान में आए हैं, तो खाली शनि देव का पूजा नहीं होता, यहाँ 33 करोड़ देवता का पूजा होगा, फेरी परिक्रमा होगा, संत महात्मा आएंगे, कथा प्रवचन रामलीला होगा, यहाँ पर लंगर चले गए, लंगर के मतलब भोजन की व्यवस्था रखा गया है और सब मिलजुल कर इस समय करना चाहिए, इसलिए कि यज्ञ क्या सिखाता है, यज्ञ प्रेम सिखाता है और शनि देव का पूजा करने का अर्थ है कि आप शांत हो, हृदय के हो जाओ, मांस मदिरा का त्याग कर दो घर में या बाहर, तब यहाँ पर शनि का कोप नहीं होगा। आ नहीं मांस मदिरा खाओगे और शनि जी भी हाथ जोड़ोगे तो आऊ कोप हो जाएंगे कि खा के आके आऊ हाथों जोड़ रहा है, इसलिए शनि देव का पूजा पाठ करना चाहिए। और इस यज्ञ के अध्यक्ष राम प्रवेश यादव जी हैं और नगर पंचायत के चेयरमैन इंदु देवी भी इस यज्ञ में पहुंची है। देखिए ये बेचारी बहुत, यहाँ नेता तो बहुत है, उस समय जो है वोटवा के बेरी वोट मांगने को दादी प्रणाम दादा प्रणाम, लेकिन अभी जग हो रहा है कोनों को दिखाई नहीं दे रहा है बेचारी। ये तो इंदी देवी आकर ये तपती हुई धूप में आकर आप में भाग लिया, इसलिए इस पर भगवान का कृपा रहे कि सदा ये पद प्राप्त करते रहे। यहाँ तो MP विधायक से लेकर मुखिया से लेकर जिला परिषद से लेकर बहुत उम्मीदवार है वहाँ जाने के लिए, लेकिन आपको कौ है आए? आउ समय अभी आ रहा है इलेक्शन, दादा तनी ध्यान दीजिएगा हमारा पर,
लंटेन छाप होता, बरगद छाप होता, आम छाप हो, तो भाजपा है हैं। अभी हम जग कर रहे हैं तो कौनो भाजपा या लंटेन छाप का पता ही नहीं है। इसलिए यहाँ वही आएगा जो भगवान का भक्त होगा, अन्यथा नहीं आ सकता है। इसलिए आप लोग शाम 7 बजे से 10 बजे तक कथा प्रवचन सुने। इस कथा प्रवचन में वृंदावन से लव कुश महाराज जी बालक आए हुए हैं और इस यज्ञ में श्रीमती पुष्पा शास्त्री भी आई हुई है और बनारस से रामलीला आया हुआ है। उन लोगों का समय 7 बजे से 10 बजे तक कथा प्रवचन, 10 बजे से 2 बजे तक रामलीला, और डेली फेरी परिक्रमा शाम से चालू हो जाएगा। जिसको जब इच्छा हो आकर फेरी परिक्रमा करो और अपना मनोकामना मांगो और सिद्ध पीठ हो। और कल अन्न में शनिदेव ढकाएंगे, एक दिन जल में, एक दिन अन्न में, एक दिन पुष्प में। इन जिनके पास गेहूँ होखल होके लाके एक बोरा, दो बोरा, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो जो जैसा है लेकर अन्न से ढकाएंगे। यहाँ लेकर आइए दोपहर के बाद 3 बजे 4 बजे। और जिस कारण गेहूँ में ना बोएली तो गेहूँ का जय पैदा करे खाती तो 56 बीघा में तो सबका गेहूँ बोआया कि नहीं बोया हम तो जानते नहीं हैं। कैसे आज आधुनिक युग हो गया है, इसलिए सभी लोग गेहूँ 10 किलो 20 किलो 50 किलो जितना जिसे बने और ये आप लोग आवें। और यहाँ साधु का भंडारा चल रहा है। और भाई देखिए, जो जहाँ से आए हैं कमेटी के लोगों से मैं कहूँगा कि कम करो चाहे बेसी, 24 घंटा यहाँ अन्न का अन्नपूर्णा चलता रहे, डाले चावल भात चले, हलवाई बुला दीजिए, रोज चलता रहे। ये ना कि पुनहती के दिन खाली लड्डू बांधने से ना बची मर्जी बची सही, कोई कहीं से आए दुकान वकान ही नहीं है, कहाँ खाएगा। इसलिए अन्नपूर्णा बराबर चालू रखिए, आगे आप लोग का मर्जी मर्जी गोविंद। जग हो रहा है आपके क्षेत्र में वार्ड नंबर 10 में, क्या कहेंगे जग को लेकर, शनि देव भगवान का मूर्ति स्थापना होने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं ये 56 बीघा में जो जग हो रहा है उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। नर जो हमारे गार्जियन स्वरूप आए हुए उनका सहयोग से आज 56 बीघा में ये यज्ञ हो रहा है, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और ये जो जग है ये शनि देव भगवान के है। इस आज शुभ यात्रा में जल के यात्रा के साथ हम भी साथ दिए और जनता के साथ भी हैं। ये फेरी होगा उसमें भी मैं साथ रहूँगी और जनता के हमेशा मैं यही कहती हूँ कि हमेशा आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। भगवान स्वामी जो हैं बाबा हमारे इस 56 बीघा में आए हुए हैं, इनके लिए सब कोई जोरदार चाहिए और आशीर्वाद दे रहे हैं कि हमारे गांव में बहुत अच्छे से साथ में रहे और हमेशा जो जब भी पूजा हो तो ये हमारे साथ में आए। आज जो है सर अपने व्यस्तम समय में से समय निकाल कर शनिदेव भगवान के प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हुए, क्या कहेंगे सर। सर्वप्रथम बारून नगर पंचायत में स्थित 56 बीघा में एक पहला बार जो है बारून प्रखंड में भगवान शनि देव का जो है मूर्ति का स्थापना हुआ है। ये क्षेत्र के लिए बहुत शुभ संकेत है। पता मैं बता देना चाहता हूँ कि शनि देव जो है हर व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके कर्मों के आधार पर जो है उन्हें न्याय देवता कहा गया है। तो शनिदेव को न्याय देवता के रूप में जाना जाता है। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर भगवान शनिदेव को प्रसन्न करना है तो उनको प्रसन्न करने के लिए हम तमाम इस क्षेत्र के जितने जनता है लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं कि शनिदेव जब प्रसन्न होते हैं, जब आप जो है सच्चाई से अपने कर्तव्य को पालन करते हैं, तो अगर आपका न्याय अच्छा होगा, आपका कर्तव्य अच्छा होगा और लोगों को, गरीबों को जो है भलाई करते होंगे और जो वैसे लोगों को लाचार हो, बेसहारा हो, वैसे लोगों को अगर आप सहायता करते हैं, उनके सहयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से जो शनिदेव खुश होते हैं। और जब शनिदेव का जब आशीर्वाद जब उन पर पड़ता है तो सबका जो जन कल्याण होता है। धन्यवाद सर। बाबा संक्षेप में हम कहेंगे, अभी क्या कहेंगे संक्षेप में, हमने बात रखे हैं। गुरुचरण पादुका भ्यो नमः। आज हमारे पूज्य श्री 1008 श्री भगवान दास स्वामी जी के तत्वाधान में ये शनिदेव का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। हमारे जीवनी का ये प्रथम शनिदेव का प्राण प्रतिष्ठा है, क्योंकि हमने जब यहाँ तक इस उम्र तक जितना भी देखा है अब तक मैं शनिदेव का प्राण प्रतिष्ठा नहीं देखा। अरे प्रथम शनिदेव का प्राण प्रतिष्ठा है। और शनिदेव कर्मों के लेखक हैं, कर्म के अनुसार वो दंड विधान के मापदंडों पर सबको एक समानता देखते हैं। उनके लिए ये देव हो या दानव हो, मन हो, मनुष्य हो या जलतर छलचर वायुचर, ये तीनों में किसका भी योनि हो, 84 लाख योनि है, सभी योनियों को वो समान रूप से विधान के
अंदर लेते हैं। जैसे अभी हमारे भारत में संविधान के अंदर सारे सभी लोगों को लिया जाता है, वो चाहे नेता हो या आम जनता हो, सबको एक समानता माना जाता है। उसी प्रकार से हमारे शनिदेव के दंड विधान में सबको एक समान माना जाता है। हाँ, चलिए नारायण नारायण।